हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर सीताराम कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर ब्रांच में। इंजीनियर्स, आज मैं अपने ट्रेनिंग इंजीनियर्स के साइट पे आया हूं, जहां पे आज मैं उन लोगों को BBS का साइट विजिट करा रहा हूं। इंजीनियर्स, जो हमारे ये ट्रेनिंग इंजीनियर्स है वो हमारे साथ मई में जुड़ चुके थे, तो उन्होंने हमारे साथ एस्टिमेशन को सीखा, फिर क्वांटिटी सर्वे, फिर सर्वे, और अभी इन्होंने रिसेंटली BBS की क्लास को समझा, जहाँ पे इनको हर एक चीज़ के बारे में बताया गया कि कॉलम का कैसे हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं, कैसे प्रॉपर शेड्यूलिंग करते हैं, हम लोग जो BBS हम लोग फुटिंग में यूज करने वाले हैं उसका कैसे कटिंग लेंथ निकालते हैं और कैसे उसका प्रॉपर शेड्यूलिंग किया जाता है। सेम बिल्डिंग के हर एक कंपोनेंट के बारे में बताया गया है, और जो चीज़ इन्होंने क्लास में पढ़ा फिर हम लोग यहाँ पे साइट पे भी लेके आते हैं कि उन चीज़ों प्रॉपर वहाँ पे काम हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर साइट पे क्या क्या गलतियाँ करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग इंजीनियर को साइट पे लाते हैं, ताकि इन लोगों का जो इंटरव्यू में जब जाए यहाँ से, इन लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर रहे। तो इंजीनियर्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आपको भी क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है, आपको भी ये वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आज हम लोग बेसिकली अपने ट्रेनिंग इंजीनियर से ही बात करेंगे कि उन्होंने 2 मंथ में क्या क्या सीखा, और यहाँ पे जो BBS लगी हुई है वो कैसा लगाया हुआ, ये कौन सी स्लैब है, कितने टाइप की स्लैब होते हैं, आज हम लोग ट्रेनिंग इंजीनियर से ही बात करेंगे। तो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी? हाँ सर, बताइए आप अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम सुनील सुमन है, मैं MP से कार रहने वाला हूँ, श्योपुर जिले का। हाँ भाई, हमारी रिसेंटली क्लास चल रही है BBS की, BBS हमने कंप्लीट कर लिया है। BBS में हमें सिखा है कि जो अपन स्लेब कास्ट करेंगे ऊपर। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब बहुत सारे बच्चे का ये डाउट रहता है कि सर BBS अपन का क्लास में सीख सकते हैं क्या, ये फिर अपने को मतलब कैसे रहा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि क्लास में जो कि 3D मॉडल में पढ़ाया है तो वो पूरा समझ आ रहा था कि कहाँ क्रैंक देना है, कहाँ क्या करना है, और अभी साइड पे आके देख रहे हैं तो वो क्लास में पढ़ा जो सारी चीजें, अब जब आप साइड पे आए हो तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि आप देख के पहचान पा रहे हो क्या? बिल्कुल समझ में आ रही है सर, क्योंकि क्लास में बैठ के ये ऐसा लगता है ना कि अपन देख ही रहे हैं उस चीज को। 3D मॉडल में वैसे पढ़ाया जाता है तो वो पूरा समझ में आता है कि हाँ ये अपनी स्लेब है तो कहाँ पे क्रैंक हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, तो पूरा समझ आ रहा है सर। बहुत ही शानदार। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो ये हमारी स्लैब लगी हुई है, जी सर, ये हमारी कौन सी स्लैब है और ये कैसे पहचानते हैं कि हमारी ये कौन सी स्लैब है? ये जी सर, ये वन वे स्लैब लगा हुआ है सर, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, जो लॉन्गर स्पान रहता है उसमें अपन शॉर्टर स्पान का डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं कि लॉन्गर स्पान अपना ये वाला है, इसमें शॉर्टर स्पान का डिवाइड करेंगे, अगर ये 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है तो अपना क्या करते हैं, 1 वे स्लैब कास्ट करते हैं, और अगर ये 2 से कम आ रहा है तो अपन 2 वे स्लैब कास्ट करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे अपने 1 वे स्लैब कास्ट किए, क्योंकि अपना लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जब डिवाइड करेंगे तो अपन वो 2 से ज़्यादा आएगा। तो बहुत ही शानदार, जैसे कि हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स ने बताया ये हमारी 1 वे स्लैब है। कैसे अपन ये 1 वे स्लैब पहचाने, जैसे कि बताया कि हमारी जो लॉन्गर स्पान है, लॉन्गर स्पान जो कि हमारी बड़ी वाली जो लेंथ होंगी वो हमारी लॉन्गर स्पान होंगी, और जो छोटी वाली लेंथ होंगी स्लैब की वो हमारी शॉर्टर स्पान होंगी। जब इसको डिवाइड करेंगे ये अगर 2 या फिर 2 से अधिक आता है तो हमारी 1 वे स्लैब होती है, या फिर इससे कम आती है तो वो हमारी 2 वे स्लैब होती है। और अपन कैसे पहचान सकते हैं साइड पे कि हमारी 1 वे स्लैब है या फिर 2 वे स्लैब है? और ऐसे पहचान सकते हैं अगर एक ही साइड में अपना क्रैंक दिया हुआ है, मतलब शॉर्टर स्पान के अलोंग अगर वो दिया हुआ है क्रैंक तो अपनी वो 1 वे, अगर दोनों तरफ दिया है लॉन्गर के भी दिया है तो उसको अपन पहचान सकते हैं कि ये 2 वे स्लैब है। बहुत ही शानदार सर, क्या बात है कि मतलब अपन दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर वो एक ही साइड क्रैंक हो रही है, मतलब दो डायरेक्शन में क्रैंक हो रही है तो वो हमारी 1 वे स्लैब होंगी, अगर वो चारों डायरेक्शन में क्रैंक हो रही है तो वो हमारी कौन सी स्लैब होंगी? 2 वे स्लैब हो जाएगी। 2 वे स्लैब होंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारी 1 वे स्लैब में बार बिजती है, जो आपको क्लास में समझाया गया था, वहाँ पे जो आपको पढ़ाया गया था, क्या एग्जैक्ट में वैसे यहाँ पे बार लगे या फिर कुछ गलतियाँ भी है? कुछ मिस्टेक है सर। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी बार लगती है हमारी 1 वे स्लैब में। सर 1 वे स्लैब में सबसे लगती है सर मेन बार लगती है, पहले जो अपना लोड को ट्रांसफर करती है, और उसको हमेशा शॉर्टर स्पान के लॉन्ग लगाते हैं, क्योंकि सर लोड को जब ट्रांसफर शॉर्टर, जैसे मान लिया कोई नदी में गिर गया तो वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, वो जो नजदीक है उसी की जाने, ऐसा तो नहीं दूर जाने की, तो ये सिस्टम इसका रहता है सर, जो नजदीक रहेगा लोड उधर ही ट्रांसफर होगा, तो अपन हमेशा जो मेन बार होता है वो लोड को ट्रांसफर करता है, तो अपन क्या है इसको शॉर्ट रिस्पान के लॉन्ग लगाएंगे, और पहले सबसे पहले पहला बार लगाएंगे तो उसको क्या है क्रैंक कर देंगे एक साइड में, और दूसरे को लगाएंगे तो दूसरे को इधर की साइड में क्रैंक कर देंगे, मतलब अल्टरनेट क्रैंक करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि जो हमारी पहली बार होंगी वो हमेशा हम लोग
शॉर्टर स्पान के लॉन्ग लगाते हैं। सिंपल सी बात है, जिस भी मेंबर पे हमारी लोड आ रही है वो चाहेंगे कि जो हमारे नियर बाय सपोर्ट है मैं वहाँ पे जाके ट्रांसफर कर दूँ, क्योंकि आपने एग्जांपल देके भी समझाया बहुत ही शानदार। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो इंजीनियर, मैं आप कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा दिखा दे हमारे व्यूअर्स को, ये हमारी वन वे स्लैब है और यहाँ पे जो आप ये पहली वाली बार देख रहे हो ये वाली जी सर, ये मेन बार है, पहली मेन बार है और यहाँ पे देख सकते हो क्रैंक होके और वहाँ पे चली जा रही है और फिर ये इधर हमारी यहाँ पे नीचे चली जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जो हमारी ये पहली बार है जहाँ पे इन्होंने क्रैंक दिया हुआ है, क्रैंक हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं जी सर, जो क्यों नहीं लगा दे रहे जी सर, जो सिंपल सपोर्टेड बीम जैसे बना रहे अपन मान ली जाए तो उसमें क्या है कि जो इसका लोड ट्रांसफर लोड आता है ना तो ऊपर के पार्ट में जो है टेंशन ज्यादा आता है सर, जो स्टील होता है ना वो हीरो होता है टेंशन को टेंशन लेने में, और जो अपना कॉन्क्रीट होता है ना वो कंप्रेशन में अच्छा होता है। तो अपन इसको ऊपर इसलिए उठा रहे क्योंकि ऊपर के पार्ट में इसमें टेंशन ज्यादा आएगा, तो नीचे अगर रख देंगे तो नीचे तो देने का मतलब ही नहीं क्योंकि नीचे टेंशन आ रहा है नहीं, नीचे कंप्रेशन आ रहा है तो वहाँ पे तो अपना बहुत ही शानदार सर। जैसे कि आपने सबसे पहले बताया कि पहली बार हमारी शॉर्टर स्पान के लॉन्ग लगती है और वो मेन बार रखती है और हम लोग क्रैंक भी क्यों प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही शानदार समझाया आपने। इसके बाद मैं जानना चाहूंगा जो हमारी नेक्स्ट बार रखती है वो हमारी कौन सी बार लगती है और क्यों लगाते हैं उसका सर, पर्पस क्या होता वो है? डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं अपन, वो उसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि सर जो मेन बार है उसको सब बाइंड करके मतलब सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अगर मेन वो डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं लगाएंगे तो मेन बार ऐसे रहेगा तो वो नीचे चला जाएगा अगर, तो उसको क्या है अपन सपोर्ट अच्छा देने मतलब के मेन बार को ग्रिप प्रोवाइड करने के प्रोवाइड हो जाए, इसलिए हम लोग कौन सी बार लगाते डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं और लॉन्गर स्पान के लोग लगाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बार है ये हमारी कौन सी बार है, ये वाली जो ऊपर वाली डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार है सर पूरी बिल्कुल, और उसके नीचे वाली बार ये अपनी मेन बार है और ये अपन ने कवर प्रोवाइड कर रखा है इसमें 20 एमएम का जो भी बहुत शानदार। तो हमारी जो वन बे स्लैब में पहली बार लगी मेन बार, फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार लग गई, फिर हमारी कौन सी बार लगेंगी इसमें सर? टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगी ये बॉटम में लगी, लेकिन जो अपन ने क्रैंक प्रोवाइड करा है इसको भी तो सपोर्ट की जरूरत है ना सर, तो इसके लिए भी अपन क्या करें टॉप अपन डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे, तो ये हमेशा जो ऊपर क्रैंक करा है ना उसके नीचे दिया जाता है। ठीक है सर, क्रैंक बार को सपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा बार आ रही है यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार भी देना पड़ेगा यूज करने के लिए और उसको भी सपोर्ट देने के लिए हम लोग कौन सा बार लगाते हैं? टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बार आती है वो कौन सी बार आती है? वो टॉप एक्स्ट्रा बार आती है सर, टॉप एक्स्ट्रा बार, क्योंकि सर जो क्रैंक जो अल्टरनेट कर रहे हैं अपन क्रैंक, तो यहाँ क्या स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है तो वहाँ पे अपने को क्या है स्टील और प्रोवाइड करने के लिए अपन ये टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं। बहुत ही शानदार, जैसे कि इंजीनियर्स देखा कि हमारे मतलब हमारे खुद ट्रेनिंग इंजीनियर्स वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि कौन कौन सी हमारी बार लगती है और कैसे लगाना चाहिए अपने को। तो इंजीनियर्स अगर आप भी चाहते हो ये सारी स्किल सीखना के लिए और आप अपने करियर में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको करना क्या है, सिंपली 9111001234 कॉल पे कॉल करना है और आपको हमारे साथ जुड़ जानी है। तो इंजीनियर्स मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स ने आप लोगों को बताया। तो इंजीनियर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी स्लैब में BBS लगी हुई है और ये हमारी सारी वन वे ही स्लैब है। कैसे अपन पहचानेंगे वन वे स्लैब है? जैसे कि हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर्स ने बताया कि जो भी हमारी लॉन्गर स्पान होंगी उसको डिवाइड बाय करेंगे ये शॉर्टर स्पान, ये हमारी लॉन्गर स्पान होगी ये हमारी शॉर्टर स्पान, अगर इसको डिवाइड करेंगे अगर ये दो के इक्वल आती है या दो से अधिक आती है तो हमारी वन वे स्लैब होंगी, अगर यही वैल्यू हमारी दो से कम आती है तो वो टू वे स्लैब होंगी। और सिंपल आप साइट पर जाके भी देख के भी पहचान सकते हो कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो हमारी साइट है यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में मतलब दो डायरेक्शन में सिर्फ क्रैंक को मोड़ा गया है, तो जहाँ पे भी आपको अगर दो डायरेक्शन में क्रैंक को मोड़ा हुआ दिखे तो वो हमारी वन वे स्लैब होती है, अगर यही हमारी चारों डायरेक्शन में क्रैंक होती है तो वो हमारी टू वे स्लैब होती है। तो दो तरीके से आप साइड पे पहचान सकते हो। तो जो हमारी सबसे पहली बार होती है आप यहाँ देख भी सकते हो ये हमारी कौन सी बार है, ये हमारी मेन बार होती है जो कि लोड को ट्रांसफर करने का काम करती है। इसके ऊपर फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं जो कि मेन बार को एक अच्छा ग्रिप प्रोवाइड कर दे, एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि ये बार आ रही है हमारी इसके नीचे, ये हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्यों लगाया जाता है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रैंक बार, ये जो हमारी क्रैंक बार होती है इसको सपोर्ट देने के लिए साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार होती है, टॉप एक्स्ट्रा बार को भी रेजिस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा रख दिया गया है, इतना ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखते हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया इसलिए स्पेसिंग ज़्यादा रख दिया गया है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बार लगती है वन बे स्लैब में ये हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार लगती है। टॉप एक्स्ट्रा बार का काम क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो मेन बार लगाते हैं अल्टरनेट क्रैंक के पैटर्न पे लगाते हैं, मतलब अगर एक बार हमारी यहाँ पे क्रैंक हो रही है
वो नीचे चले जाएंगे, फिर दूसरी वाली बार हमारी ये नीचे रहेंगी, फिर नेक्स्ट वाला हमारा क्रैंक होगा। इस प्रकार से हम लोग अल्टरनेट जब क्रैंक लगाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्रैंक के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा हो जा रहा है, क्रैंक के बीच में हमारा क्या हो जा रहा है, स्पेसिंग ज़्यादा हो रहा है। और आप सभी को पता है कि हमारे जो सपोर्ट वाले पार्ट होते हैं, जो कि हमारे सपोर्ट के नियर होते हैं, वहाँ पर हमारा टेंशन जोन अधिक रहता है। तो टेंशन जोन जब अधिक हो रहा है तो हम लोग टेंशन को ही मजबूत करने के लिए स्टील प्रोवाइड करते हैं, और हम लोग टेंशन जोन में ही अगर स्टील नहीं प्रोवाइड करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा हो जा रहा है, उस स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर क्या प्रोवाइड कर दे रहे हैं, टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही शानदार टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हुआ, बट स्पेसिंग ज़्यादा रखा हुआ है। जस्ट आप इस साइड आओगे तो देखोगे यहाँ पे जस्ट मेन बार के बगल में ही हमारी कौन सी बार लगी है, टॉप एक्स्ट्रा बार। ये हमारी सेंटर में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, एक्चुअली प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं किया गया। जब भी अपन बार को लगाते हैं ना, प्रॉपर मार्किंग करके लगाते हैं। सबसे पहले हमारी जो मेन बार बिछने वाली उसकी मार्किंग कर लेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार का मार्किंग कर लेंगे। जब अपन मार्किंग करके काम करेंगे तो वो हमारी एग्जैक्ट डिस्टेंस पे वो लग जाएंगी। तो ये सारी हमारी बार होती है वन वे स्लैब में, जो कि हमारे इंजीनियर्स बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। इंजीनियर्स, अगर आप भी चाहते हो इस प्रकार के ट्रेनिंग सीखने के लिए, तो आप 9111001234 पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रकार के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम इंजीनियर्स।